ब्लैक एडम और शज़ैम को डीसी यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में गिना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ थॉर है जो कि खुद भी मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही पावरफुल गॉड है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि इन तीनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स में से कौन सबसे पावरफुल है, और अगर कभी इनमें फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जीत सकता है। तो ये बैटल कंपैरिजन वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। वैसे भी कुछ दिन पहले ही मैंने मार्वल के टॉप 10 एंटी हीरोज पर एक वीडियो डाली थी, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को वो वीडियो काफी पसंद आई है। और अब उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से सब्सक्राइबर्स डीसी के टॉप 10 एंटी हीरो पर भी वीडियो मांग रहे हैं, और इसीलिए आप सभी के रिकमेंडेशन पर हम वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप उस वीडियो के लिए कितना एक्साइटेड है ये हमें कमेंट्स में बताइए। तो आइए अब इन सारी बातों को सेट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम वर्सेस थॉर के इस बैटल को हम दो बैटल्स में देखेंगे, जो कि होंगे ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम और ब्लैक एडम वर्सेस थॉर। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम से। ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम, तो पहले बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम एके बिली बैटसन वैसे तो एक छोटा सा लड़का है, लेकिन क्योंकि इसे शज़ैम विज़ार्ड ने अपनी पावर्स दी है, इसीलिए बिली बैटसन के शज़ैम वर्ड बोलते ही वो एक एडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। शज़ैम के पास 6 अलग अलग ग्रीक गॉड्स की पावर्स हैं, जो कि है सोलोमोन की विजडम, हरकुलिस की स्ट्रेंथ, एटलस का स्टेमिना, ज़ियोस की पावर, एक्लस का करेज और मर्क्यूरी की स्पीड। ये सारे ही गॉड्स अपने इन पर्टिकुलर पावर्स के लिए जाने जाते हैं, और शज़ैम के अंदर इन सारी एक्सट्रीम पावर्स का कॉम्बिनेशन है। कॉमिक्स के अंदर एक बार जब सुपरमैन ने शज़ैम की पावर्स को फील किया था, तब उसने शज़ैम से ये कहा था कि तुम्हारी पावर्स मेरे बराबर है। शज़ैम के पास सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, जैसे शज़ैम का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो फ्लाई कर सकता है, लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, और शज़ैम बुलेट प्रूफ भी है। शज़ैम अपने स्ट्रेंथ से एक 97,000 टन्स के हेलीकैरियर को लिफ्ट कर चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के सबसे फास्ट कैरेक्टर यानी कि फ्लैश को भी उसके फुल स्पीड में टक्कर दे चुका है, और एक बार अपने एक ही पंच से ब्लैक होल भी क्रिएट कर चुका है। इनके भी ऊपर शज़ैम उस टेसरेक्ट बॉम्ब एक्सप्लोजन से भी सर्वाइव कर चुका है, जो एक्सप्लोजन इतना डेंजरस था कि वो पूरे जस्टिस लीग को भी खत्म कर सकता था। तो यही शज़ैम की पावर्स हैं। अब शज़ैम के बाद बात करें ब्लैक एडम की, तो ब्लैक एडम का रियल नेम तेथ एडम है, जो कि हजारों साल पहले खंदक शहर के अंदर गुलाम था, और जिन्होंने एडम को गुलाम बनाया था उन्होंने उसकी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दिया था। लेकिन फिर आगे चलकर एडम को रॉक ऑफ इटर्निटी के शज़ैम विज़ार्ड से पावर्स मिली और वो बना ब्लैक एडम, जिसके बाद अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम पर उसने बहुत से लोगों को जान से मार दिया। बात करें ब्लैक एडम की पावर्स की, तो ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं, जो कि है शू का स्टेमिना, एमोन की स्ट्रेंथ, ज़ेहोती का विजडम, एटोन की पावर, हेरो की स्पीड और मैंथू का करेज। यानी कि ब्लैक एडम के पास भी वो सारी पावर्स हैं जो कि शज़ैम के पास हैं। लेकिन ब्लैक एडम शज़ैम की पावर्स को भी खुद हासिल करना चाहता है, जिस वजह से शज़ैम और ब्लैक एडम के बीच फाइट होती है। ब्लैक एडम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस पर कितना भी पावरफुल अटैक क्यों ना किया जाए, उसे उस अटैक से कुछ भी नहीं होगा। ना तो ब्लैक एडम को स्पीडिंग ट्रक के टक्कर से कुछ होता है, और ना ही किसी बॉम्ब के एक्सप्लोजन से। कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम की बॉडी को वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टिबल बताया गया है, इसीलिए दुनिया की एडवांस से एडवांस गन्स की बुलेट्स भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डॉक्टर फेट, जो कि डीसी के मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस में से एक है, उनकी पावरफुल मैजिकल लाइटनिंग अटैक्स का भी ब्लैक एडम पर कोई असर नहीं होता। ब्लैक एडम का स्ट्रेंथ भी इतना ज्यादा है कि वो हजारों टन भारी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बॉल की तरह फेंक चुका है। स्पीड के मामले में स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज रन कर चुका है। एक थंडर क्लैप से यानी कि ताली मारकर एक पूरे शहर के बिल्डिंग्स को तबाह कर चुका है, और तो और एक बार अपनी मैजिकल लाइटनिंग से एटम स्मैशर को फिर से जिंदा भी कर चुका है। तो अब ब्लैक एडम और शज़ैम की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं, और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और एक बैटल के दौरान कौन किसे हरा सकता है। तो ब्लैक एडम और शज़ैम दोनों ही पावर्स के मामले में लगभग एक बराबर है, यानी कि दोनों की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और स्पीड लगभग एक दूसरे के इक्वली है। और ये बात भी बहुत लॉजिकल है, क्योंकि इन दोनों को इनकी पावर्स शज़ैम विज़ार्ड से मिली है। लेकिन पावर से हटकर अगर बात करें बैटल की, तो ब्लैक एडम और शज़ैम के बैटल में ब्लैक एडम शज़ैम से जीत जाएगा, और इसका रीजन ये है कि शज़ैम असल में एक बच्चा ही है जिसके पास लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन वहीं ब्लैक एडम के पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और वो सालों से लड़ता आ रहा है। साथ ही ब्लैक एडम एक बहुत ही ब्रूटल कैरेक्टर है, जो कि लड़ते वक्त सिर्फ अपने अपोनेंट को जान से मारना चाहता है, और ये चीज ब्लैक एडम को बहुत खतरनाक बनाती है। साथ ही साथ शज़ैम को ट्रिक करना भी काफी आसान है, और डीसी कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर सुपरमैन शज़ैम को ट्रिक करके हरा भी चुका है, जहां वो उसी की लाइटनिंग के आगे उसी को खड़ा कर देता है, जिसके बाद शज़ैम बिली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर सुपरमैन उसे शज़ैम बोलने से रोक देता है और उसका मुंह बंद कर देता है।
पर ऐसा कुछ ब्लैक एडम के साथ करना बहुत मुश्किल है, और कॉमिक्स के अंदर कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश भी की है पर वो सभी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। और इनके भी ऊपर ब्लैक एडम शेज़ैम से कई बार फाइट कर चुका है और वो शेज़ैम को लगभग हर बार हरा चुका है। यहाँ तक कि सुपरमैन एंड शेज़ैम द रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम के अंदर भी ब्लैक एडम का सामना करने के लिए शेज़ैम को सुपरमैन की हेल्प लेनी पड़ी थी। इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक एडम शेज़ैम को बैटल में हरा सकता है, यानी कि ब्लैक एडम विंस। तो शेज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम के बाद आइए अब बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस थॉर की। तो अब जैसा कि हम ब्लैक एडम की पावर्स को पहले ही जान चुके हैं, इसीलिए आइए अब हम थॉर की पावर्स की बात करते हैं। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नाइन रियाम्स का प्रोटेक्टर है। एक गॉड होने की वजह से थॉर के पास सारी सुपर पावर्स हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना और सुपर हीलिंग फैक्टर। थॉर की एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसीलिए थॉर हजारों सालों से जिंदा है और आगे भी हजारों सालों तक जिंदा रहेगा। थॉर को गॉड ऑफ थंडर भी यूं ही नहीं कहा जाता। थॉर के पास थंडर की पावर्स है। वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स कर सकता है और थंडर को कंट्रोल करके उससे अपने दुश्मनों पर अटैक भी कर सकता है। थॉर के पास गॉड लाइक वेपन्स भी हैं, जैसे म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर, और ये वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये थॉर को किसी भी बैटल के अंदर अपर हैंड दिलवा सकते हैं। एमसीयू के अंदर थॉर अपनी कई पावरफुल फीट्स को शो कर चुका है, जैसे अपनी फर्स्ट मूवी के अंदर थॉर ने डिस्ट्रॉयर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रॉयर एस्गार्डियन मेटल से बना एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल आर्मर है जो कि ओडिन के वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता था। इसके अलावा थॉर अपने म्योनिर की हेल्प से सोकोविया में लगे की थ्रस्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से पूरा सोकोविया ही ब्लास्ट हो जाता है, पर उस ब्लास्ट से भी थॉर को कुछ भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ यही नहीं, थॉर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेल चुका है। और बात करें अदर कैरेक्टर से फाइट करने की, तो थॉर रैग्नारोक के अंदर थॉर सैटर को हरा चुका है और हल्क से लड़कर उसे भी तगड़ी टक्कर दे चुका है। और अगर ग्रैंड मास्टर बीच में ना आता तो थॉर हल्क को आराम से हरा देता। और तो और इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब सारे एवेंजर्स लगभग हार ही चुके थे, तब वो थॉर ही था जिसने वहां पर आकर उस फाइट का रुख बदल दिया था, जिसके बाद थॉर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवरपावर करके थैनोस की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर घुसाया था। पर ये सब तो एमसीयू की बात थी, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर थॉर और भी ज्यादा पावरफुल है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क और थॉर कई बार फाइट कर चुके हैं, और साल 2001 के अंदर जब थॉर और हल्क का क्रॉसओवर हुआ था, तब उसमें थॉर हल्क के ऊपर इतना पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है कि उस अटैक की वजह से हल्क बेहोश हो जाता है। इसके अलावा थॉर एक बार अपने हाथों से वर्ल्ड इंजन को भी पुश कर चुका है, जो कि पूरे नाइलरियाम से कनेक्टेड था। इसके अलावा थॉर एडमेंटियन केबल्स को अपने हाथों से तोड़ चुका है। द माइटी थॉर सीरीज के अंदर गैलेक्टस को नॉकआउट कर चुका है। सिल्वर सर्फर की फोर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और तो और थॉर मिडगार्ड सर्पेंट को भी अपने हाथों से लिफ्ट कर चुका है। तो यही सारी थॉर की पावर्स थी। अब ब्लैक एडम और थॉर के बारे में क्लियरली सब कुछ जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में थॉर और ब्लैक एडम दोनों ही लगभग एक बराबर हैं, लेकिन थॉर की फीट्स ब्लैक एडम की फीट से कई आगे हैं, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर थॉर अपने स्ट्रेंथ से 20 प्लैनेट्स के वेट को लिफ्ट कर चुका है, वर्ल्ड इंजन को मूव कर चुका है, एक सेलेस्टियल के हेड को ब्रेक कर चुका है और फीनिक्स फोर्स को भी नॉकआउट कर चुका है। इसी वजह से थॉर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ब्लैक एडम से थोड़ा आगे नजर आता है। लेकिन जहां बात आती है स्पीड की, तो स्पीड के मामले में ब्लैक एडम थॉर से आगे हैं, क्योंकि ब्लैक एडम ने स्पीड ऑफ लाइट तक को कवर किया है और डीसी का सबसे फास्ट स्पीडस्टर यानी फ्लैश को भी स्पीड में पीछे छोड़ रखा है। लेकिन इनके अलावा कॉमिक्स के अंदर थॉर के पास कई सारे वेपन्स भी हैं, जबकि ब्लैक एडम के पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं है। और थॉर अपने म्योनिर की हेल्प से फ्लाई कर सकता है, लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, और तो और थॉर म्योनिर के एक ही अटैक से प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है। थॉर म्योनिर से एनर्जी अब्सॉर्ब भी कर सकता है, इसीलिए अगर ब्लैक एडम अपने मैजिक का यूज थॉर के ऊपर करता है तो थॉर उस मैजिक अटैक को म्योनिर से अब्सॉर्ब कर सकता है। और थॉर ऐसा कुछ कॉमिक्स में कर भी चुका है, क्योंकि साल 1996 में मार्वल और डीसी ने मिलकर अपने कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर किया था, जिसके अंदर थॉर और शेज़ैम का भी बैटल हुआ था। उस बैटल के अंदर थॉर और शेज़ैम काफी लंबे वक्त तक फाइट करते हैं, लेकिन एट द एंड थॉर अपने म्योनिर की हेल्प से शेज़ैम की सारी लाइटनिंग पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से शेज़ैम बिली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और थॉर से हार जाता है। लेकिन थॉर का ऐसा कुछ ब्लैक एडम के साथ करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक तो ब्लैक एडम ऐसे ही हर खतरे से वाकिफ है और उसे अपनी पावर्स को यूज करने का और फाइट करने का हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, जिस वजह से वो ऐसी हर सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर है। तो अब अगर हम ब्लैक एडम और थॉर के बैटल के फाइनल रिजल्ट की बात करें, तो ब्लैक एडम और थॉर के कंपैरिजन में ब्लैक एडम स्पीड में आगे हैं और थॉर के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के फीट्स ब्लैक एडम से आगे हैं। लेकिन बात करें इस बैटल के विनर की, तो थॉर ब्लैक एडम से थोड़ा आगे हैं, और अगर कभी इन दोनों की फाइट होती है तो थॉर ब्लैक एडम को हरा सकता है। और ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि थॉर की फीट्स ब्लैक एडम से आगे हैं और थॉर के पास पावरफुल उरु वेपन्स भी हैं, जो कि पूरे प्लैनेट्स तक को तबाह करने की ताकत रखते हैं। साथ ही थॉर गॉड ब्लास्ट नाम के एक पावरफुल अटैक का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो खुद से कई गुना पावरफुल कैरेक्टर्स को भी डिफीट कर चुका है। और तो और यहाँ पर हमने थॉर के सबसे बड़े हथियार यानी कि थॉर फोर्स की बात ही नहीं की, क्योंकि थॉर अपने थॉर फोर्स के साथ बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाता है और फिर उसके लिए किसी को भी हराना काफी आसान हो जाता है।
इसीलिए यहाँ पर इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि थॉर और ब्लैक एडम में थॉर ज्यादा पावरफुल है और वो फाइट में ब्लैक एडम को हरा सकता है। तो यही ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम वर्सेस थॉर के टॉपिक पर एक बैटल कंपैरिजन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है, आप उसका नाम हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी टॉप 10 कैरेक्टर्स विद लाइटनिंग पावर्स, हिस्ट्री ऑफ ब्लैक एडम, गॉड द गॉड बुचर वर्सेस थानोस, टॉप 10 गॉड्स एंड पावरफुल एंटिटीज इन थॉर 4 और हिस्ट्री ऑफ रियन किंग थॉर जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको हमारी थॉर गॉड ऑफ थंडर गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन वाली वीडियो भी रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि वो वीडियो काफी अच्छी है और आपको काफी पसंद भी आने वाली है। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।